जी बोनी दोस्तों, आज आपको मैं एक सीगेट का हार्ड डिस्क है, 1 TB का है एक्सटर्नल, तो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी डिटेक्ट होता है, कभी कभी नहीं होता है, इसमें बहुत तरीके का प्रॉब्लम रहता है। दूसरी बात ये है कि इसको कैसे रिकवर करने का, कैसे डिटेक्ट करने का, दो तीन है प्रकार। डिटेक्ट नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते अपन, पर इसके लिए ट्राई तो कर सकते हैं अपन। बहुत कुछ है, सॉफ्टवेयर भी है अपने रिकवरी करने के लिए, बहुत कुछ है। और दूसरी बात ये है, ऐसा और एक भी अपने पास 1 TB 2 TB और एक भी है, दो है मेरे पास, प्रॉब्लम करके आया है मेरे पास। ये है दूसरा, ये भी सेम है सीगेट, ये 2 TB का है, सेम है दो। आपको मैं दिखा तो सिस्टम को लगा के, अभी फिलहाल तो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के नहीं है मेरे पास टाइम, तो मैं इसको वीडियो को ही घुमाता हूँ, आप लोग जरा एडजस्ट कर लो, ठीक है? तो इसको कैसा ओपन करने का वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये है हार्ड डिस्क, मैं अभी लगा रहा हूँ इसको। तो रिटेक का साउंड तो आ गया, इधर लगाया हूँ मैं हार्ड डिस्क। माय कंप्यूटर पार्टीशन नहीं दिखता है इनका, इसका मैनेज भी आके देखेंगे एक बार। मैनेज में जाओ, डिस्क मैनेजमेंट में, डिस्क ड्राइव में सीगेट आया ना, इसमें देख सकते जरूर। 500 GB 500 GB का हार्ड डिस्क है मेरा है, और जो लगा है जो 2 TB है। दूसरा है डिस्क मैनेजमेंट में, चेक कर लो जरा। 500 GB 500 GB है मेरा हार्ड डिस्क है। जरा और एक पार्टीशन आना चाहिए 2 TB का, आया नहीं। अभी इसको मैं ओपन करके बताता हूँ। स्क्रू तो कुछ रहता नहीं है, पूरा गम के साथ में, लॉक के साथ में रहता है, पूरा डबल टेप के साथ में रहता है पूरा। इसको आप स्टील का साइड में, ऐसा पतला रहना चाहिए, और इसलिए कांटा ही, ये पिन इसलिए लगा है कि ये किधर में तो घूम जाता है, मेरे को मिलता नहीं है, इसलिए ऐसे बना के रखा हूँ मैं। ये है आर्टिस्ट के 2 TB का, दिख रहा है इधर, और पूरा ब्लैक 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 जो पाउडर गिरा है वो मूंगी के वजह से होगा, मूंगी लाल मूंगी के वजह से होगा। ज़्यादा करके लाल मूंगी से दूर रखने का, हार्ड डिस्क या मदरबोर्ड या लैपटॉप, मेरे ख्याल से मूंगी के वजह से ही प्रॉब्लम हुआ मेरे ख्याल से ये। और नीचे से भी टेप रहता है, ये हुआ आर्टिस्ट, पूरा स्टिकर फाड़ना पड़ेगा इसका। एक बार इसको क्लीन करके लगाओ तो मेरे ख्याल से आ जाएगा। इसमें दूसरी बात ये है, एक बार ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है यूएसबी का, ज़्यादा करके प्रॉब्लम इसमें रहता है, एक बार ये चेंज करके देख लो, नहीं तो डायरेक्ट सिस्टम को भी ला सकते हैं इसको अपन, और इसको संभाल कर निकालना पड़ेगा क्योंकि वो पट्टी टूट जाता है। एक बार निकाल के मैं क्लीन कर लेता हूँ इसको। ये जो कोरोना का इफेक्ट का वजह से ये हुआ हार्ड डिस्क यूएसबी एक्सटेंशन, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आता है। ये हार्ड डिस्क आपको लैपटॉप में भी ला सकता है और डेस्कटॉप में भी ला सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें भी लगा, सिर्फ यूएसबी को चलेगा करके। ये जो ब्लैक बैग है पूरा निकाल लेता, क्लीन कर लेता इसको पूरा मैं लिक्विड के साथ में। ये जो है पेट्रोल में डाल के रखो एक 10-15 मिनट के लिए, इसका जो मॉइस्चर है जो मूंगे के साथ में जो प्लास्टिक जो खा लेता है वो सब निकल जाएगा, और डस्ट भी जाएगा तो, डस्ट भी जाएगा तो भी निकल जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद में आप चेक कर लो, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इसको जो बोर्ड है ग्रीन कलर का PCB बोर्ड, उसको निकालो, मैं बताता हूँ इसको निकाल के, क्योंकि डिटेक्ट नहीं हो रहा था इसे जो मेरे को निकालने की है। मैं तब तक इसको मैं पेट्रोल में धो के रख लेता हूँ, धो के रखने के बाद आपको इसको भी मैं निकाल के बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मूंगी पकड़ लिया है लाल मूंगी, मैं खोल के बता देता हूँ।
इसका 3-4 स्क्रू है और इसके नीचे एक कनेक्टर रहता है, संभाल कर निकालना पड़ेगा आपको, ज़रा भी घाई नहीं क्योंकि टूट फूट जाएगा। फिर एक कनेक्टर रहता है, ये वो निकल गया। ये कनेक्टर है उसका, सब कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ पेट्रोल लगा के चेक करता हूँ सिर्फ उसको। ज़्यादा कुछ नहीं प्रॉब्लम इसमें, ये दूसरा ऑप्शन है, जो तीसरा और एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ये। तीसरा जो ऑप्शन है डायरेक्ट तुम इसको सिस्टम में ला के चेक कर लो। तीसरा जो ऑप्शन है सिस्टम में ला के चेक कर लो, और चौथा जो ऑप्शन है ऐसे सेम आर्टिस्ट लेना पड़ेगा आपको सेम पार्ट नंबर के साथ में, तो एक बार ये चेंज करके चेक कर लो तो आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन था वो। और डिटेक होने के बाद आपका जो भी है पार्टीशन मेरे सब निकल जाएगा। तो ठीक है, मैंने निकाला, जरा हवा मार ले उसको, ब्लोर करके लो, नहीं तो एक 10-15 साइड में रखो, सूख जाएगा। एक्चुअली इसको लगा के चेक कर लेता हूँ, नहीं आएगा तो मैं आपको सिस्टम में लगा के चेक करके दिखाता हूँ। पूरा पेट्रोल पेट्रोल बाहर आ रहा है पूरा एसी में। ये वो आपका डिस्क, इसको सिस्टम में लगा के चेक कर लेते हैं। ज़्यादा करके USB का ही प्रॉब्लम रहता है, मैंने आज तक तो बहुत कुछ किया हो, चेक किया हो। आर्टिस्ट लगा लिया मैं USB को, ये रीड हो रहा है, थोड़ा साउंड आ रहा है इसमें, चल लगा के देख लो जरा। ठीक है, मैं एक बार सिस्टम में लगा के दिखाता हूँ। मैनेज डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजर, ड्राइव एवर डिटेक्ट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट में जो है ये आया पार्टीशन आपका, अनलोकेटेड पार्टीशन। इसका मतलब आपका आर्टिस्ट ओके हो गया है, इसका पार्टीशन करो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो फिलहाल तो पार्टीशन दिखा रहा है इसका, ओके हो गया इसका पार्टीशन तो ओके हो गया। और दूसरी बात ये है पार्टीशन दिखा रहा है इसको। ठीक है, आपको जितना अभी मैं दिखाया जो भी अभी जो, और दोस्तों बोलो और कुछ प्रॉब्लम है, डाउट रहे। ओके दोस्तों, अभी जो अभी तक जितना मैं आपको दिखाया सिस्टम के अंदर, जो पार्टीशन कैसे दिखाने का, कैसा मैं हार्ड डिस्क रिकवरी करने का, अभी फ़िलहाल तो ये USB क्लीन करने से मसला कंप्लीट हो गया। अभी फ़िलहाल तो ये USB का बोर्ड जो है प्रॉब्लम था वो धो के रखने से क्लियर हो गया। ओके दोस्तों, मैं अभी जो एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क आपको जो बताया ट्रिक्स, वो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम आएगा तो, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में कमेंट करिए, मैं कर देता हूँ। तब तक मैं इसको पैक कर लेता हूँ क्योंकि इसका पार्टीशन दिख रहा है मेरे को। और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलो, आपको जो ये वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फर्दर आपको जो वीडियो आएगा इंटीमेशन आ जाएगा उसका। फिलहाल तो ये USB का बोर्ड के साथ कंप्लीट हो गया, अभी मैं इसको पैक कर लेता हूँ। थैंक यू।